ये दिल्ली के पानी के हक की लड़ाई है। हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे, हम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की हरियाणा की सरकार से कह रहे हैं, जहां मोदी जी केंद्र में है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। अरे डबल इंजन वालों, दिल्ली में भी तुमको 7 सांसद जिताया है दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के ऊपर भी थोड़ी दया करो, इतने क्रूर मत बनो, इतने निर्दयी मत बनो। अरे पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य का काम किसी भी धर्म में कुछ नहीं बताया गया, कम से कम हमारे हक का पानी हमको दे दो। 100 MGD पानी, जिसका जिक्र अभी दिलीप भाई कर रहे थे, 28 लाख लोगों के पीने के पानी का इंतजाम 100 MGD पानी से हो जाएगा। लेकिन मैंने सुबह भी बताया था, इस समय फिर दोहरा रहा हूं, 28 लाख लोगों के बराबर का पानी मोदी जी और हरियाणा की नायब सिंह की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने दिल्ली वालों का रोक लिया। लेकिन हर संभव प्रयास के बाद भाजपा की हरियाणा सरकार ने दिल्ली का पानी नहीं छोड़ा। दिल्ली की 7 सीटें जीत कर भी भाजपा ने 3 करोड़ दिल्ली वालों के साथ विश्वासघात किया। वहीं मंत्री आदित्य और आम आदमी पार्टी हर पल दिन रात दिल्ली वालों के साथ खड़ी रही। और आज जब सवाल दिल्ली वालों के जीवन पर आ गया है, तो दिल्ली के जल मंत्री आदित्य ने अपनी जान दांव पर लगाकर दिल्ली का पानी लाने की ठानी है। उनकी इस कोशिश में आज पूरी दिल्ली उनके साथ खड़ी है। जब तक दिल्ली के हक के पानी की आखिरी बूंद नहीं मिल जाती, तब तक ये सत्याग्रह यूं ही जारी रहेगा। दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलना, तो हरियाणा से पानी रोको, पाइपलाइन तोड़ दो, और जो कर्मचारी जल बोर्ड के दफ्तर में काम कर रहे हैं, भाजपा गुंडों से कहा गया जाकर उनको मारो पीटो, आप इस तोड़ो काम मत करने दो। दिल्ली के लोगों को एक बूंद पानी नहीं मिलना चाहिए, ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की, यह सोच है नरेंद्र मोदी की, यह सोच है बीजेपी के नेताओं की।